ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि वे गेन करने के लिए जंक फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जंक फूड खाते हैं और उन पर इसका असर भी पड़ता है, उनका वजन बढ़ जाता है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। दरअसल वजन ना बढ़ने का सबसे पहला कारण जीवन शैली का ठीक तरह से ना चलना हो सकता है, जैसे खाना कम खाना या समय पर नहीं खाना या फिर खाना खाते समय बैलेंस डाइट ना लेना। कुछ लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और कम पोर्शन में खाना खाते हैं जिससे वजन कम हो जाता है। इसका एक कारण ये बीमारी भी हो सकती है जिसे हाइपरथायराइड्स कहते हैं। हमारे शरीर में एक ग्रंथ होता है जिसमें हार्मोन्स बनता है, इसका नाम थायरोक्सिन है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। अगर उसका सीक्वेंसिंग ज़्यादा निकले तो लोगों का मेटाबॉलिज्म एकदम से बढ़ जाता है। उससे भूख तो बढ़ती है लेकिन वजन में कोई सुधार नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा दिन प्रतिदिन कम होता जाता है। इसका दूसरा कारण डायबिटीज़ भी हो सकता है। जिनको पता नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है, शुगर की समस्या है, तो उनके लिए उन्हें हम बता दें कि यह लक्षण है जिससे पता चल जाएगा। दरअसल इसमें भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, इसीलिए खाना खाने के बाद भी एनर्जी नहीं रहती, बल्कि इसका ठीक उल्टा ब्लड में शुगर घूमने जैसा लगता है, तो उससे वजन कम होने लगता है। इसका तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि पेट में इसकी कोई दिक्कत हो, किसी तरह की पेट में कोई गड़बड़ी हो, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज़ कहते हैं। ऐसे में कुछ बीमारियां हैं जिसे हम खाना तो खाते हैं पर हमारे शरीर में नहीं लगता। इसका चौथा कारण ये भी हो सकता है कि शरीर में आयरन की कमी हो, और आयरन की कमी होना हमारे देश में आम बात है। आयरन की कमी होने की वजह से भूख नहीं लगती। पांचवा कारण विटामिन B12 की कमी होना भी हो सकता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस होने की वजह से भी ऐसा होता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करने और फिर उस हिसाब से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ना लेना एक मुख्य वजह मानी जा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड स्टोरी देखने के लिए बने रहे हमारे साथ फैक्ट वर्ल्ड पर।